हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही चैनल वेलकम इंडिया स्टडी में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको बेसिक की बिल्कुल जानकारी नहीं है, इंग्लिश में जो बहुत कमज़ोर है, जिनकी इंग्लिश वीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कितने पार्ट होते हैं स्पीच के। जैसे लिखा नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। पहला भाग है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव विशेषण, चौथा है वर्ब क्रिया, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, संयोजक का काम करता है कंजंक्शन संयोजक, आठवां है इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द। तो ये आठ प्रकार होते हैं, आठ भाग होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसके पार्ट हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और इनकी बारी बारी से इनका जो है इनका डेफिनेशन करते हैं, इनका व्याख्यान करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। संज्ञा द नाउन, जो पहला भाग है नाउन जिसको हम संज्ञा कहते हैं, तो सीखते हैं संज्ञा क्या है और इसका मतलब क्या होता है, इसके भाग कितने होते हैं और कैसे आप इनको पहचानेंगे। तो द नाउन यानी संज्ञा पहला भाग है। परिभाषा, हिंदी में परिभाषा हमने बहुत ही सरल तरीके से लिखी है ताकि आप जो है आराम से इसको समझ सकें। लिखा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण अवस्था या कार्य को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण अवस्था या कार्य को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे वस्तु का नाम बुक किताब, पेन कलम, चेयर कुर्सी, कैप टोपी इंक आदि। बुक पेन चेयर कैप इंक आदि और बहुत सारे ऐसे जो है वस्तु का नाम हो सकते हैं, तो उनको हम संज्ञा की श्रेणी में लेते हैं। स्थान का नाम कोई जगह है, जैसे किसी स्थान का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, जैसे कानपुर, आगरा, स्कूल, मार्केट और बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में ही लिखा है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम संज्ञा में हो सकता है या होता है, जैसे राम, मोहन, सीता, राधा, हरि आदि। तो ये तो हो गए नाम, किसी का भी नाम। अब कार्य, कार्य देख लीजिए, काम लाफ्टर हंसी, वर्क चॉइस आदि। आगे है गुण, गुण में वो काइंडनेस ऑनेस्टी विजडम ब्रेवरी। अवस्था स्लीप चाइल्डहुड बॉयहुड आदि, स्लीप चाइल्डहुड बॉयहुड आदि। नदियों के नाम जैसे देखिए गंगा यमुना कावेरी आदि, या कोई भी नदी का नाम। पहाड़ों के नाम जैसे हिमालयाज अरावली या कोई भी आल्पस रॉकी एंडीज कुछ भी, ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। पुस्तकों के नाम देख लीजिए गीता रामायण महाभारत इत्यादि। महीनों के नाम जनवरी फरवरी मई आदि। प्राकृतिक पदार्थों के नाम, सॉरी दिनों के नाम हम भूल गए यहाँ पे, दिनों के नाम संडे मंडे फ्राइडे आदि। प्राकृतिक पदार्थों के नाम गोल्ड सिल्वर आदि। समूहों के नाम जैसे क्लास आर्मी फैमिली ये सब। पशुओं के नाम काऊ डॉग हॉर्स आदि। पक्षियों के नाम पैरट क्रो आदि। तो इस तरह से जितने भी पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, किताबें, पुस्तकें, जो भी चीज़ें हैं, इसमें बताया गया कि सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। या यूँ कह लीजिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिस किसी वस्तु का आप नाम दे दें वही संज्ञा है। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जो स्थान या गुण आदि जो होते हैं उन सभी को हम नाउन की श्रेणी में ही रखते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है उसका कुछ ना कुछ नाम है और वो सब नाउन की श्रेणी में
आ जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज आप संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा या जो नाउन है कितने प्रकार की होती है, कैसे आपको इनको समझना है, ये हमने आपको सामूहिक रूप से बता दिया है। अब इनके हम टाइप्स जानेंगे, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी टाइप्स को अलग अलग हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसी जानकारी पाने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।